गुड आफ्टरनून वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट और आज हम एक बार फिर से मिले हैं अपनी लाइव क्लास में एज़ यू नो हम लोग डेली ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे एक बजे से लेके दो बजे के बीच में हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं है ना और इसी सीरीज में ये आज हमारा फोर्थ वीडियो है ना और इस फोर्थ वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्योलैथिक पीरियड को ठीक है न्योलैथिक पीरियड को जिसे हम हिंदी में कहते हैं नवपाषाण काल और अगर हमें टाइम अलाउ करेगा तो आज हम डिस्कस करेंगे चालकोलिथिक पीरियड को भी चालकोलिथिक पीरियड को हिंदी में कहते हैं ताम पाषाण काल फाइन तो इस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं चलो तो न्यूलिथिक पीरियड है ना तो न्यूलिथिक पीरियड पे जंप करने के पहले आपने मेरा बेसिक्स वाला वीडियो देखा होगा है ना और उस बेसिक्स वाले वीडियो में आई हैव टोल्ड यू अबाउट न्यूलेथिक न्यू लिथिक के मैंने तुमको बेसिक्स बताए थे जो हम बहुत जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमारे जो ये फैक्चुअल क्लास है मोर ऑफ तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगी ठीक तो स्टार्ट करते हैं न्यूलिथिक पीरियड जो है सेकेंड यहां पे स्टार्ट करते हैं न्यूलिथिक पीरियड जो है इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं पाषाण काल के कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और उनमें से एक है टूल टेक्नोलॉजी ठीक है उसमें से एक क्या है टूल टेक्नोलॉजी अब आप कहोगे कि टूल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है तो टूल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अगर आप मेरे साथ पुराने वीडियोस ले रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम पहले टाइम में थे जब हम पूरा पाषाण काल में थे और उसके बाद जब हम मध्य पाषाण काल में आए हैं और अब हम जब नव पाषाण काल में आए हैं तो कैसे टूल्स चेंज होते रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पहले हम किन टूल्स का इस्तेमाल करते थे अब हम किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ये वेरेवली चेंज होता रहा है तो अब जो टूल टेक्नोलॉजी यहाँ पे आती है इसका नाम है सेल्ट टेक्नोलॉजी ठीक है यहां पर जो इंसान टूल इस्तेमाल करेगा इसको हम कहने वाले हैं सेल टेक्नोलॉजी याद रखना मैचिंग में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है फाइन तो अब तुम कहोगे कि सर सेल टेक्नोलॉजी क्या होता है तो सेल टेक्नोलॉजी इज सेल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है मान लो ये कोई एक पत्थर है ठीक है स्टोन एज चल रही है अभी भी हमारा मेटल की डिस्कवरी तो हुई नहीं है मेटल की डिस्कवरी जो होगी वो चालकोलिथिक पीरियड में होगी है ना तो मान लो ये कोई स्टोन है फाइन ये कोई स्टोन है ये भी एक औजार हो सकता है ये भी एक टूल हो सकता है अब इसके पीछे फाइन जब हम इसके पीछे ऐसे देखो जब हम इसके पीछे कोई ऐसे एक हैंडल अटैच कर देंगे ठीक जब हम इसके पीछे एक हैंडल अटैच कर देंगे और इसी टेक्नोलॉजी को कहा जाएगा सेल्ट टेक्नोलॉजी फाइन तो इसी को हम कहने वाले हैं सेल्ट टेक्नोलॉजी तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ सेल्ट टेक्नोलॉजी का आना कब हुआ है तो तुम क्या कहोगे सेल्ट टेक्नोलॉजी जो है वो आई है न्योलेथिक पीरियड में फाइन तो अब इससे होगा क्या अब तुम कहोगे कि सेल्ट टेक्नोलॉजी से होने क्या वाला है हैंडल लगाने से हो क्या गया है ऐसा तो हैंडल लगाने से क्या होगा तुम्हें टॉर्क मिलेगी तुम अपने हाथ से जो टूल है उसको और ज़्यादा मजबूती से पकड़ सकते हो है ना और ज़्यादा तुम्हें ग्रिप मिल जाएगी पहले तुम और तुम और दूर के जानवरों को मार सकते हो अभी क्या है कि तुम पास के जानवरों को मार रहे हो फिर तुम और दूर के जानवरों को भी मार सकते हो तो ये तो होती है सेल टेक्नोलॉजी तो एक तो टेक्निक ये हो गई इसके अलावा क्या होने वाला है इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चीज़ होगी वो यहाँ पे होगी एग्रीकल्चर अब जो इंसान है वो एग्रीकल्चर की शुरुआत कर देगा फाइन यहाँ से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है अब देखो हम तुम एक चीज बताते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेट मी फाइंड सम स्पेस जस्ट वेट अ सेकेंड वेट ओके हम इसी स्पेस को ले लेते हैं इस पर ही डिस्कस करते हैं फाइन ये ठीक है ओके okay. तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें मैंने तुम्हें क्या बताया कि यहां पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है फाइन सी ये हमारा प्यारा भारत है है ना इसके बाद अब अगर हम आगे देखें तो तुम कह सकते हो यहाँ पे तुम सपोज करो मीजोपोटामिया है या टिगरे रीज़न है ठीक है तो कहा जाता है कि सबसे पहले जो एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई थी वो 9000 थाउजेंड के आसपास कहीं ना कहीं हुई थी फाइन 9000 थाउजेंड के आसपास एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई थी मीज़ोपोटामियन रीजन में फाइन अब यहाँ से क्या हुआ था धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर की नॉलेज है वो धीरे धीरे यहाँ इस तरफ इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू करती है ठीक है फिर क्या होता है यहाँ पे है बुलान पास ठीक है यहाँ पे है बुलान पास बुलान पास में एक जगह है जिसका नाम है महरगढ़ फाइन महरगढ़ तो ये जो नॉलेज है ये ट्रांसफर होते होते मीज़ोपोटामिया रीजन से धीरे धीरे मेहरगढ़ में आती है और इसे आने में आज का टाइम तो है नहीं कि ट्विटर हो या फिर दूसरे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो वहाँ से पता चल जाता है कि हाँ भाई एक वर्ल्ड के कोने में कुछ हुआ तो जस्ट दूसरे कोने में पता चल जाएगा इस टाइम पे तो ऐसा था नहीं तो यहाँ पे जो मेहरगढ़ है यहाँ तक जो एग्रीकल्चर की नॉलेज है इसे आते आते अराउंड सेवन थाउजेंड का टाइम लग जाता है तभी जो हम कहते हैं कि इंडिया में जो न्यूलिथिक पीरियड है वो सेवन 2000 BC से लेके अराउंड 2500 BC तक चलता है फाइन अब देखो एग्रीकल्चर की जो नॉलेज है वो मेहरगढ़ में 7000 BC तक आ गई है लेकिन अब यहाँ से जो नॉलेज है वो डिफरेंट पार्ट्स तक जाते-जाते और ज्यादा टाइम लगाएगी ऐसा नहीं है कि आज अगर हमारे पास नॉलेज है तो ये एक दिन में ही पूरी कॉन्टिनेंट में फैल जाने वाली है और तो धीरे धीरे नॉलेज जो है वो यहाँ कश्मीर तरफ जाएगी फिर क्या है उत्तर प्रदेश तरफ आएगी धीरे धीरे बिहार तरफ जाएगी और यही नॉलेज जो एग्रीकल्चर की है वो धीरे धीरे साउथ तरफ भी जाएगी तभी होता है कि यहाँ मेहरगढ़ में तो एग्रीकल्चर कहीं सेवन के आसपास देखा जाता है बी में लेकिन यही चीज़ जब कश्मीर में हम बात करते हैं तो ये पहुंचते पहुंचते यहाँ 2500 सौ बी के आसपास का तक का टाइम लग जाता है और इवन इन साउथ में भी ये 2500 सौ बी के आसपास जो एग्रीकल्चर की नॉलेज है वो धीरे धीरे पास होती है फ़ाइन तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया फाइन ये हो गया अब एग्रीकल्चर के स्टार्ट होने से क्या हुआ तुम पूछोगे तो एग्रीकल्चर जब स्टार्ट होता है तो एग्रीकल्चर जब होगा तो एग्रीकल्चर के लिए एक एक बहुत प्यारा सवाल है कि इंसान ने एग्रीकल्चर करना सीख कैसे लिया मतलब क्यों मतलब क्या ज़रूरत पड़ी एग्रीकल्चर करने की ना करते एग्रीकल्चर है ना वो चाहते तो वो हंटिंग और गैदरिंग पे ही रह सकते थे तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें एग्रीकल्चर करना पड़ा तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मैंने तुम्हें कल ही क्लास में बताई थी एक तो सबसे ज़रूरी है कि यहाँ से होलोसिन जो है वो स्टार्ट हो चुका है अब तुम कहोगे होलोसिन के स्टार्टिंग से एग्रीकल्चर का क्या लेना देना तो होलोसिन को मैंने तुम्हें क्या बताया था ये वॉम एज है है ना होलोसिन जो है ये वॉम एज है अगर वॉम ऐज है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी है ना अब अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उसका जो पेट है वो हंटिंग और गैदरिंग से नहीं भरने वाला हमारा जो पेट है वो हंटिंग और गैदरिंग से नहीं भरने वाला हमें चाहिए और चीज़ें हमें चाहिए और रिसोर्सेज तो इसीलिए जो इंसान होता है वो कोशिश करता है रिसोर्सेज को इंक्रीज करने की इसलिए जो सबसे रेवोल्यूशनरी काम होता है वो होता है एग्रीकल्चर का धूंड़ा जाना अब एग्रीकल्चर भी कैसे धूडा गया अगर तुम सेपियंस बुक पढ़ो ना या फिर तुम उपेंद्र सिंह की बुक पढ़ो तो उपेंद्र सिंह एक चीज कहते हैं फिर तुम सेपियंस डॉक्टर हरारी की बुक पढ़ते हो तो उन्होंने एक चीज कही है कि जो एग्रीकल्चर का स्टार्ट हुआ है वो इंसान ने कैसे सीखा कि एग्रीकल्चर किया जा सकता है तो इसका सबसे एक एग्जाम्पल हम तुम्हें बताते हैं ऐसा कुछ कुछ हुआ होगा कि मान लो जैसे यहाँ पे एक पेड़ है फाइन यहाँ पे ये यह पेड़ है ठीक है तो इसके कुछ बीज जो हैं इसके कुछ सीड्स जो हैं वो यहाँ पे गिर गए होंगे अब इंसान इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहा होगा मान लो यहाँ से कोई जानवर पास करता है ठीक यहाँ से कोई जानवर पास करता है जब यहाँ से कोई जानवर पास करेगा तो जो सीड्स हैं वो उसके पैर में लग जाएंगे फाइन अब क्या होगा धीरे धीरे वो जानवर आगे जाएगा मान लो ये पाँच किलोमीटर जानवर आगे चला गया तो अब क्या होगा जे ये सीढ़ है ये यहाँ पे जाके पहुंच जाएगी और ये वाला पेड़ जो है ये यहाँ पे आके भी उग जाएगा तो ऐसा कुछ कुछ हुआ होगा मान लो कोई एक तितली है वो आके इस पेड़ पे बैठती है और इस पर आपने पॉलीनेशन पढ़ा होगा है ना अपने छोटे बचपन में पॉलीनेशन पढ़ा होगा तो वो तितली जब बैठती है तो उड़ के जाती है और वो यहाँ मान लो बीस किलोमीटर दूर यहाँ पर आके एक जगह पर बैठती है और फिर से क्या होता है यही सेम प्लांट क्या होता है यहाँ पर आके भी उग जाता है तो इससे क्या होता है जब ये ह्यूमन इन सब चीजों को नोटिस कर रहा होगा पिछले बीस तीस चालीस हजार पचास हजार सालों में तो उसने ये सब चीज़ें नोटिस करी होंगी उसने सोचा होगा उसने देखा होगा कि हाँ यार अगर हम सीड्स को कहीं फैला देते हैं तो इससे क्या होता है इससे वो वाला जो पेड़ है वो वाली जो स्पीसी है वो दूसरी तरफ भी पहुंच जाती है तो इसने खुद ये सब चीज़ें स्ट, स्टार्ट करी होंगी ऐसे कुछ कुछ करके एग्रीकल्चर हमारा स्टार्ट हुआ होगा अब देखो ध्यान से सुनना जब इसने यही वाली सीड मान लो खुद से डाली होंगी तो क्या हुआ होगा अब तुम एक चीज सोचो जब ये खुद सीड्स डालेगा तो इसे पता तो होगा नहीं भाई कितनी सीड्स डालने पे कितना एग्रीकल्चर हो जाएगा है ना आज तो तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है आज तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं तो तुम बता कर लेते हो कि हाँ भाई एक बोरा सीड लगेगा इससे इतनी फसल हो जाएगी है ना ऐसा होता है उस टाइम पर तो पता होगा नहीं उस टाइम पर टेक्नोलॉजी थी नहीं तो क्या होगा इसने बहुत सारी सीड्स को डाल दिया होगा इसने बहुत सारी सीड्स को डाल दिया होगा अब जब ये बहुत सारी सीड्स डाली गई होंगी तो इससे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया होगा जिससे क्या हुआ होगा आ गया होगा। अब जब सरप्लसके आएगा तो सबसे बड़ी चीज क्या है तो इसलिए पोट्री का इन्वेंशन किया गया होगा फाइन पॉट्री मतलब क्या होता है मृदभांड पॉट्री मतलब क्या होता है हाय महिमा वर्मा क्लास हमारा रोज एक से दो पीएम पे स्टार्ट होता है आप आके रोज हमसे जुड़ सकते हैं ठीक है तो हमारा एग्रीकल्चर जो है यहाँ से जब हमारे पास सरप्लस हुआ होगा तो सरप्लस से हमारे पास पोट्री का निर्माण हुआ होगा क्यों क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने इतना सारा प्रोडक्शन कर लिया है तो इतने सारे प्रोडक्शन को तुम फेंक तो दोगे नहीं है ना ऐसा तो होने वाला है नहीं तुम उसे कहीं ना कहीं स्टोर तो करोगे और स्टोर करने के लिए फिर हमने यहाँ पर पोट्री का निर्माण किया सोचो सबसे पहला जो क्रॉप है बताओ कौन सी क्रॉप सबसे पहले बोई गई है सबसे पहले बारले का प्रोडक्शन हुआ है ना बारले प्रोड्यूस किया गया है तो इसी बारले को इसको इसमें ही हम सेव करने लगे तो ऐसे ही पोट्री का निर्माण मान हुआ तभी यूजीसी जो सवाल पूछता है वो हमसे एक सवाल पूछता है बताओ पॉटरी जो है वो सबसे पहले कहाँ देखी गई है तो हमने तुम्हें क्या बताया था जो बेसिकली जो मेजरली पॉटरी का निर्माण हुआ है बड़े तौर पे वो न्यूोलिथिक टाइम पे नवपाषाण काल में हमारे पॉटरी का निर्माण होना शुरू हो गया है फाइन अब तुम देखो एक चीज तुम और सोचो अब एक बात बताओ तुम्हारे घर पे मान लो दस लोग हैं फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर पे दस लोग हैं या किसी गांव में दस लोग हैं फाइन क्योंकि पहले क्या हुआ करता था पॉपुलेशन जो थी वो कम थी ठीक है तो इतने ज्यादा लोग तो हुआ नहीं करते थे लोग क्या थे लोग मैंने तुम्हें बताया था बैंड सोसाइटी में रहा करते थे लोग ग्रुप्स में रहा करते थे छोटे छोटे ग्रुप्स में रहा करते थे अब पॉपुलेशन है कम अब दस लोगों की पॉपुलेशन है हम लोगों ने बीस हज़ार डाल दिए हमने खाना ज़्यादा बना दिया हमने सीड प्रोड्यूस ज़्यादा कर दी तो इससे क्या होगा हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो अब इस सरप्लस का तुम करोगे क्या बताओ इस सरप्लस का तुम करने के वाले हो तो तुम इसकी ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे फाइन तुम तो इसके साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे जैसे ही ट्रेड स्टार्ट होगी वैसे ही क्या होता है शहर बनना स्टार्ट होंगे अभी तक जो न्यूलिथिक पीरियड है वो कौन सा है वो गांव की सभ्यता है ठीक है वो रूलर सिविलाइजेशन है लेकिन जैसे ही ट्रेड आगे बढ़ती है तो क्या होने लगता है तो हमारे शहर निकल के आते हैं और जब शहर निकल के आएंगे तो शहर कौन से तो उद्गम होता है हरप्पन सिविलाइजेशन का फाइन तो हरप्पन सिविलाइजेशन का उदगम होता है समझ गए ना तुम कितनी बेसिक सी चीजें हैं कैसे सारी की सारी चीजें जुड़ी होती है फाइन

फाइन इसके बाद जो हरपन सिविलाइजेशन है वो हमारा चलता है अराउंड 3500 सौ बीस से लेके कहीं ना कहीं 1300-1100 ग्यारह सौ बीस तक चलता है अब तुम एक चीज देख रहे होगे अब गे है देखो ये 2500 तक चल रहा है ये देखो 1300 तक चल रहा है यहां देखो ये 700 तक चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों की तीनों जो फेजेस हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री के ये ओवरलैप कर रहे हैं ये साथ साथ तुम्हें देखने को मिलेंगे तुम इन चीजों को आज तक ये सोचते आए होते हो कि न्यूोलिथिक खत्म होता है तो चालकोलिथिक शुरू होता है चालकोलिथिक खत्म होता है तो हरप्पन सिविलाइजेशन शुरू होता है बट चीजें ऐसे नहीं चल रही हैं चीजें जो हैं वो साथ में चल रही होती हैं जैसे हम तुम्हें इसका एग्जांपल अगर और अच्छे से बताएं तो ये देखो एक सेकंड देखो ये देखो ये यहां पे मान लो इंडिया का ये मैप है ये हमने इंडिया का मैप यहां पे बनाया और देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो कहीं कहीं यहां पे चल रहा होता है ठीक हरप्पन सिविलाइजेशन शहरी सभ्यता है वो यहाँ पे चल रही होती है चालकोलिथिक जो है जब नियोलिथिक यहाँ से थोड़ा सा कम होने लगता है तो चालकोलिथिक वो होता है वो नॉर्थ में चल रहा होता है बहुत से टाइम पे ऐसा होता है कि नियोलिथिक और चालकोलिथिक साथ में चलते हैं फाइन और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि यहाँ साउथ में नियोलिथिक चलता रहता है तो कुछ ऐसी इमेज बनती है हमारे इंडिया की इस टाइम पे फाइन तुम ऐसा इन चैप्टर्स को अलग अलग करके नहीं देखा जाता तभी देखो मेरी जो ये आज का लेक्चर है इसमें मैंने देखो साथ में डाला है नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक फाइन समझ गए इस चीज को तुम तो ये चीजें जो है ये यहाँ साथ में चल रही होती है फाइन अब देखो इन्हीं सब चीजों के बाद तुम्हें हमने क्या क्या बताया टूल्स आ गए टूल्स में क्या कौन कौन से टूल आए सेल टेक्नोलॉजी आ गई इसके बाद क्या हुआ एग्रीकल्चर आ गया एग्रीकल्चर आने से क्या होगा हमारे पास सरप्लस हो गया सरप्लस होने से क्या है हमारी पॉपुलेशन जो है वो सस्टेन कर पाई सस्टेन करने से क्या होगा हमारे ट्रेड हो गए ट्रेड होने से क्या होगा हर सिविलाइजेशन आ गई तो ये देख रहे हो ये इतना रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है हमारे इंडिया में इस टाइम पे इसीलिए इसीलिए जो वी गॉर्डन चिल्डे हैं ध्यान से सुनना ये यूजीसी ने ये सवाल पूछ चुके हैं यूजीसी कि जो वी गॉर्डन चिल्डे हैं कौन है वी गॉर्डन चिल्डे तो वी गॉर्डन चिल्डे ने नियोलिथिक टाइम को रेवोल्यूशनरी फेज कहा है तो तुमसे अगर सवाल आए कि बताओ रेवोल्यूशनरी फेज नियोलिथिक को किसने कहा है तो तुम कहोगे वी गॉर्डन चिल्डन ने फाइन ये चीज तुम समझ गए होगे इसके बाद और एक सवाल आया कि इंडिया को इंडिया की जो टाइमलाइन है जिसे हम पैलीओलिथिक और नियोलिथिक में टाइमलाइन करते हैं तो नियोलिथिक जो टर्म है वो किसने दिया पैलीओलिथिक जो टर्म है वो किसने दिया तो ये तुम कहोगे कि रॉबर्ट फ्र्यूज ने नहीं नहीं सॉरी ब्रूस जॉन लोबॉक ने जॉन लोबॉक जो थे उन्होंने ये और पैलियोलिथिक पाषाण काल और नब पाषाण काल टर्म्स को कॉइन किया था फाइन समझ गए भूलोगे तो नहीं एक वी गॉर्डन चिल्डे को नहीं भूलना है जिन्होंने न्योलिथिक को रेवोल्यूशनरी पीरियड कहा है दूसरा तुम्हें तो जॉन लोबॉक को नहीं भूलना है जिन्होंने इस पीरियड को कॉइन किया है, इस टर्म को कॉइन किया है। अगर हमें देखो रॉबर्ट ब्रूस की जो याद आई थी ना तो रॉबर्ट ब्रूस जो हैं उन्होंने पहला पूरा पाषाण का पत्थर ढूंढा था इंडिया में पहला जो पूरा पाषाण का पत्थर है वो किसने ढूंढा है वो रॉबर्ट ब्रूस ने ढूंढा था 1863 में फाइन तो इस चीज को भी तुम याद रखना अब देखो एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट हो जाता है बेसिक सी चीज़ है एग्रीकल्चर जब स्टार्ट होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इंसान जो होता है वो अपना खुद का फूड उगाना शुरू कर देता है तुम कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है तो बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इंसान जो है पहले दूसरी चीज़ों के फूड पे डिपेंड हुआ करता था वो हंटिंग किया करता था वो गैदरिंग किया करता था वो यहाँ वहाँ से सामान को मतलब कलेक्ट करके आता था मान लो मानसून पीरियड आ गया मान लो मानसून आ गए मानसून के आने से क्या हो जाएगा अब मानसून आ गए तुम तीन महीने तक बारिश हो रही है चार महीने तक बारिश हो रही है तो इससे क्या होगा हो सकता है जिस शेर को तुम्हें मारना है वो शेर भारी ही निकल रहा है जिस चीते को तुम्हें मारना है जिस एलिफेंट को तुम्हें खाना है वो बाहरी निकल रहा है फिर तुम क्या करोगे तो तुम तीन महीने तक भूखे रहोगे क्या ऐसा तो नहीं होने वाला है ना इसलिए जो ये हंटरिंग गैदरिंग है हम दूसरों पर डिपेंड ना होकर हम खुद पर डिपेंड होने लग गए हैं फाइन हम खुद पे डिपेंड होने लग गए हैं फाइन ठीक है हमने खुद ही अपना मतलब जो है हमने एग्रीकल्चर पे डिपेंड हुए हमने खुद ही अपना फूड ढूंढ लिया और इसी फूड पे ढूंढने के बाद सबसे पहली जो चीज़ है सबसे पहला जो हमने किस चीज़ की खेती करी है वो अगर आपको पता हो तो हमने बारले जिसे हम जौ कहते हैं बारले को हमने उगाया है और ये सवाल जो है ये काफ़ी एग्जाम्स पूछ चुके हैं कि बताओ पहले हमने किस क्रॉप की प्रोडक्शन किया था तो पहले बारले था फिर वीट और फिर राइस कहा जाता है वीट जो है ये मीजोपोटामिया और टेगरेस के एरिया में उगाया जाता था और वहीं से क्या होता है जब वीट होता है और वीट के ऊपर जो थोड़ा बोरा जो हस्क लगा रहता है उसी से हमने फिर सोच के राइस की भी डिस्कवरी कर ली थी तो सबसे पहला बारले फिर बीट और फिर राइस फाइन तो ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं अब देखो और एक रेवोल्यूशनर क्या होता है और एक रेवोल्यूशन क्या होता है सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन होता है हमने तुम्हें क्या बताया था जो मध्य पाषाण काल है वहाँ पे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका है पशुपालन स्टार्ट हो चुका है लेकिन जो ये पशुपालन है जो पुरा पाषाण काल में था वो मीट के लिए किया जाता था उनके है ना मीट के लिए किया जाता था लेकिन अब जो पूरा अब जो हमारे पास जो हमारा डोमेस्टिकेशन होगा जो पशुपालन होगा वो उनके फूड प्रोडक्ट्स के लिए किया जाएगा वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए किया जाएगा अगर तुम स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ोगे ना तो स्टैंडर्ड बुक्स के पढ़ने से तुम्हें ये पता चलता है कि जब स्टार्टिंग में इंसान था ना जब वो मीज़ोलेथिक टाइम पर था जब वो पल टाइम पर था जब वो पूरा पाषाण काल में था तो उसको यार पता नहीं था कि ये जो जानवर हमें मिल्क दे रहा है ये जो गाय हमें दूध दे रही है या फिर इस इस जानवर से हमें यह ये डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं ये हम खा भी सकते हैं राइट हमें स्टार्टिंग में पता नहीं होता आज हमें हर एक चीज़ पता है तुम सोचो जब हम धीरे धीरे इवॉल्व करके आए हैं तो हमें ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं फाइन तो उसने धीरे धीरे हो सकता है कभी उसने कंज्यूम करना स्टार्ट किया हो कभी उसने गाय का दूध पी लिया हो तो उसे इससे एनर्जी मिली हो उसे लगा हो कि हायर से तो हमें ज़्यादा एनर्जी आ गई है ना इसे हम कंज्यूम भी कर सकते हैं इससे हम बीमार नहीं हुए तो ऐसे कर करके उसने डोमेस्टिकेशन जो एनिमल्स का स्टार्ट किया वो उनके फूड के लिए किया ठीक है एक तो ये भी रेवोल्यूशनरी फीचर है नियोलिथिक टाइम का इसके अलावा एक और रेवोल्यूशनरी फीचर है एग्रीकल्चर के आने से क्या हो जाएगा कि पहले जो इंसान है वो नोमैडिक हुआ करता था पहले जो इंसान है वो घुमंतू हुआ करता था अब तुम कहोगे घुमंतू का मतलब क्या होता है घुमंतू का मतलब है कि वो अपने खाने के लिए यहां वहां तलाश में घुमा करता था आज वो इस जगह पे है कल वो उस जगह पे है परसों वो इस जगह पे है उसका एक कोई सर्टेन पीरियड नहीं था उसके कोई परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं थे राइट लेकिन जब एग्रीकल्चर आ जाएगा अब तुम खुद सोचो तुम्हारी इतनी बड़ी फील्ड डली हुई है जहां पे तुमने अपना बारले उगाया है जहां पे तुमने अपना वीट उगाया है जहां पर तुमने अपना राइस उगाया है तुम यार इसको छोड़ के ऐसा तो है नहीं तुमने इतनी मेहनत करी है यहाँ पर तीन चार महीने में तुम इसे छोड़ के कहीं और चले जाओगे तो तुम यहाँ पर रुकोगे तुम यहाँ पर बगल से अपना घर बना लोगे फाइन तुम यहाँ पर अपना घर बना लाओगे घर किसके बना करते थे घर बना करते थे मड ब्रिक्स के मिट्टी के पत्थरों के घर बना करते थे फाइन तो और एक चीज देखो क्या होती है साथ में जब तुमने अपने जानवर भी यहीं बगल में बांध लिएखभाली तो भी करोगे है ना ऐसा तो है नहीं तुम्हारा तुम्हारा कुत्ता बंधा हुआ है या तुम्हारा एलिफेंट है तुम उसे छोड़ के चले गए पता चला दो महीने

बताइए कमेंट करके किसने कहा है फाइन इसके बाद और देखो अब देखो पे हम हम और आएं। तो जो है इसका हम वो देखते हैं न्यूलेथिकॉजी ये किन दो वर्ड से निकल के बना है वैसे तो हम तुम्हें ये कॉन्सेप्चुअल क्लास में बता चुके थे तो नियो का मतलब होता है एक है नियो और एक है लिथिक ठीक दो शब्द से मिलके ये बना है नियो का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब होता है स्टोन तो ये नए पत्थर का स्टोनेज है अब तुम कहोगे क्या नए पत्थर है यहाँ पे क्या नया है तो तुम्हें क्या बताया था यहाँ पे सेल्ट टेक्नोलॉजी नई है सेल्ट टेक्नोलॉजी क्या है कि पीछे इन्होंने हैंडल लगा दिया है किसी अपने औजार के पीछे फाइन तो यहाँ पे सेल्ट टेक्नोलॉजी आती है और यही सब चीज़ें जो हैं यही सब चीज़ें इन्हें न्यू एज बनाती हैं क्योंकि इंसान अपने पत्थरों को पॉलिश भी करने लगा है पॉलिश करने से क्या होगा तुम कहोगे पॉलिश करने से क्या होता है कि उसमें धार आ जाती है थोड़ा चिकना हो जाता है जिससे तुम और अच्छे से अपने प्रे को अपने जानवर को मार सकते हो फाइन देखो अब यही सब चीज़ें जो तो तुम बुक में पढ़ोगे सोचो ये उपेंद्र सिंह के अगर ये नोट्स हैं उपेंद्र सिंह और दो तीन चीज़ों के और नोट्स हैं तो तुम अगर इन चीज़ों को बुक में पढ़ोगे तो तुम हर एक चीज़ समझ जाओगे कि बाले बीट और राइस का प्रोडक्शन हुआ मिल्क और मीट भी आने लगा इसके बाद देखो इसको न्यू स्टोन एज क्यों कहा जाता था पॉलिश स्टोन टोन होने लगे फूड प्रोडक्शन का स्टार्ट होने लगा इसके बाद तुम और देखोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि सीडेंट्री लाइफ आ गई सीडेंट्री लाइफ क्यों आ गई एग्रीकल्चर की वजह से आ गई फिर तुम देखोगे कि पोल्ट्री का इन्वेंशन हो गया पोट्री ट्रिक का इन्वेंशन क्यों हो गया क्योंकि हमें सरप्लस को रखना था फाइन इसके बाद देखो सर जॉन लोवॉक आ गए सर जॉन लोवॉक ने ही इसको टर्म किया था न्यूलिथिक एरिया को इसके बाद देखो वी गॉर्डन चिल्डे आ गए इन्होंने रेवोल्यूशनरी पीरियड कहा है क्यों कहा है रेवोल्यूशनरी पीरियड पूरा हमने तुम्हें समझा दिया फाइन इसके बाद एक तुम नाम और याद रखना माइल्स ब्रुकेट करके फाइन ब्रुकेट करके जो है उन्होंने दो तीन बस करेक्टरिस्टिक फीचर्स दी है न्यूलिथिक पीरियड के करेक्टरिस्टिक फीचर्स फीचर्स इनके कोई नहीं पूछने वाला बस न्यूल जो यूजीसी है ना वो एक काम करता है वो काम पता है क्या करता है वो ये करता है तुम्हें तो एक कोई स्टेटमेंट दे देगा दे यार ठीक है ऐसी एक स्टेटमेंट दे देगा दे और तुमसे कहेगा बताओ न्यूलिथिक को जो है वो चार चार करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो न्यूलिथिक के किसने बताए हैं तो तुम्हें दो तीन नाम तो दे देगा दे वो यहां वहां के जो रिलेटेड नहीं होंगे एक नाम लिख के आएगा माइल्स ब्रुकेट करके और तुम समझ जाओगे कि हां सर जो है उन्हें पढ़ाया था कि माइल्स ब्रुकेट ने कुछ कुछ तो न्यूलिथिक के बारे में बोला है और तुम उसको टिक लगा दोगे वैसे उन्होंने ये बोला है न्यूलिथिक के बारे में कि प्रैक्टिस होने लगी थी एग्रीकल्चर का पशुपालन होने लगा था एग्रीकल्चर का और हमने स्टोन ग्राइंडिंग स्टोन और टूल्स ढूंढ लिए तुम समझते हो आज के घर पे जो तुम्हारे घर पे जो द, दतिया कहते है न, जो मतलब यहां पे जो होता है, उसको जो तुम्हारे निकलने लगता है ना जिससे प्रोसेस्ड हो जाता है थोड़ा सा फूड हमें उसका हिंदी टर्म नहीं आ रहा है अगर तुम में से किसी को हिंदी टर्म पता हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ तो उसी को हम ग्राइंडिंग स्टोन कहते हैं ठीक और और इसके बाद पॉटरी भी आने लगती है तो ये जो चार फीचर्स हैं ये माइल्स ब्रोकेट करके हैं इन्होंने बताए हुए हैं फाइन तो इस चीज को तुम ध्यान रखना इसके बाद और देखो अब देखो हमने तुम्हें पूरी की पूरी कहानी बता दी थी क्या कहानी बताई थी कि इंडिया जो है इंडिया ने अपना जो एग्रीकल्चर है वो कहां से बोरो किया है वो बोरो किया है और इरानियन प्लेट्यू से फाइन ये चीजें जो हैं ये यहां पे बताई गई हैं लेकिन ये तो चीज हमने तुम्हें बताई थी अब देखो क्या है ये जो व्यू है ना ये व्यू ओल्ड व्यू है कि हमने मीजोपोटामिया और ईरान से अपना जो एग्रीकल्चर है वो अडॉप्ट किया था लेकिन एक चीज और है अब जो न्यू हिस्टोरियंस आने लगे हैं न्यू हिस्टोरियंस का ये कहना है कि नहीं भैया नहीं क्योंकि अब देखो इंडिया की हिस्ट्री इंडियंस अपने हिसाब से लिखने लगे हैं अब क्या है हिंदू हिस्टोरियंस आने लगे हिंदू हिस्टोरियोग्राफी आ गई है और जो हिंदू हिस्टोरियोग्राफ़ी है वो एक चीज़ कहती है वो ये कहती है वो इंडिया को हमेशा महान दिखाएगी वो इंडिया को हमेशा अच्छा दिखाएगी तो इस सेंस में वो लोग ये कहते हैं कि हमने जो है हमने कहीं से कुछ नहीं किया इंडिया हमेशा से ही महान था इंडिया हमेशा से ही महान है तो यहाँ पे जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफर्स आते हैं वो एक चीज़ आके कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं 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 हमने मीज़ोपोटामिया से नहीं लिया हमने ईरान से नहीं लिया हमारा जो एग्रीकल्चर है ना वो हमारा खुद का धूरा हुआ है भाई साहब इंडिपेंडेंट है इंडिजीनियस एग्रीकल्चर है हमारा ठीक है हमने कोई आउटसाइड आउटसाइड आउट से नहीं लिया है ठीक तो ये चीज जो है ये ये लोग कहते हैं फिर ये लोग क्या कहते हैं कि जो डिस्कवरी हुई है वीट और बारले की मेहरगढ़ से जो पाकिस्तान में है मेहरगढ़ के में जस्ट हमने मैप बना के दिखाया था अभी कुछ देर पहले तो ये जो है ना ये ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी चल रहा था मतलब कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या है देखो पुराने हिस्टोरियंस हैं वो क्या कहते हैं कि नाइन थाउजेंड में अराउंड में मीजो में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ और सेवन थाउजेंड में यही चीज़ हर अरे सॉरी मेहरगढ़ में देखने को मिली हमें फ़ाइन लेकिन ये लोग क्या कहते हैं इन लोगों का कहना ये है कि जो एग्रीकल्चर है वो मीज़ोपोटामिया में और मेहरगढ़ में सेम टाइम पे चल रहा था ठीक है तो हमने किसी से उधार नहीं ली ये चीज़ जो तुम हमसे कह रहे हो कि हमने बाहर से ये सब अडॉप्ट किया है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारा ये खुद का इंडिजीनियस है हमने ऐसा कुछ नहीं किया है फाइन तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इनका ऐसा कहना है उसके बाद उन्होंने एक चीज़ ये भी कही है कि जो कोल्डी हवा है कोल्डी हवा कहाँ है उत्तर प्रदेश में यहाँ से हमें राइस मिला है पहली बार ठीक तो ये भी इन्होंने कहा है कि ये कंटेम्प्रेरी चल रहा था हमने किसी से कुछ उदाहरण नहीं लिया अब देखो हम तुम्हें इसका ये सब इतना सब ज्ञान क्यों बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है सबसे पहले सवाल तो यही आते हैं कि बीट और बारले हमें कहाँ मिला तो बीट और बार्ले तुम बताओगे मेहरगढ़ में मिला है कॉटन भी मेहरगढ़ में मिला है लेकिन अगर तुमसे पूछा जाता है कि बताओ राइस सबसे पहले कहाँ मिला है तुम कहोगे कोल्डी हवा में हमें राइस जो है वो मिला हुआ है तुम्हारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ तुम्हारा यहाँ पे फैक्ट भी क्लियर हुआ अब देखो यहाँ पे दो तीन नाम है जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है ये दो तीन नाम जो है वो तुमसे पूछ लिए जाए पहली बात तो बी गॉर्डन छिलडे वी गॉर्डन छिलडे भी न्यूलेथेक टाइम से जुड़े हुए हैं फाइन इसके बाद और कौन है रॉबर्ट जे ब्रेडवुड ये भी न्यूलिथिक टाइम से जुड़े हुए हैं फाइन इन्होंने भी यही चीज़ न्यूलिथिक के बारे में बोला इसके बाद लुइस आर विनफोर्ड इन्होंने भी न्यूलिथिक टाइम के बारे में बोला है फाइन इसके बाद और हैं क्लेंट फ्लैनरी इन्होंने भी न्यूलिथिक टाइम के बारे में बोला है तो अगर तुम इस चीज़ के बारे में और देखना चाहते हो तो मुझसे ये पीडीएफ ले लेना बट तुम्हें इस टाइम पे उनकी स्टेटमेंट से ज़्यादा हम लोग अभी कॉन्सेप्ट फैक्ट्स पे ध्यान रखते हैं ये चीज अगर तुम्हें और डीप में पढ़नी हो तो इस चीज की मेरी पीडीएफ ले लेना फाइन अब देखो इसके साथ साथ क्या होता है इन्होंने एक दो चीजें और बताना स्टार्ट करी है हमारे साथ देखो क्या हुआ है डोमेस्टिकेशन करने से फूड प्रोडक्शन करने से कुछ चीजें जो हैं वो और चेंज होती हैं क्या चेंज होती हैं कि जो जानवर हैं उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं अब तुम कहोगे सर ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज क्या होते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज कुछ नहीं होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है कि उनके शरीर में मान लो कोई चेंज आने लगा अब तुम कहोगे कि फूड प्रोडक्शन करने से सच शरीर में क्या चेंज आने लगेगा हैं फूड तो वही सेम होता है इसके इस क्या क्या बातें कर रहे हो आप तो देखो ऐसा हुआ करता था कि जैसे हम ह्यूमंस हैं ठीक है अब पहले हम क्या किया करते थे हम रॉ फूड खाया करते थे ठीक है तो जब हम रॉ फूड खाएंगे तो हमारे जो दांत होंगे वो उनमें कैनाइंस निकले रहते हैं ना आपने देखे होंगे बहुत से लोगों के अभी भी कैनाइंस होते हैं शेर के कैनाइन होते हैं ह्यूमन में भी बहुत लोगों के कैनाइन होते हैं जो दांत दो बाहर निकल आते हैं उन्हें हम कैनाइन कहते हैं तो अब धीरे धीरे क्या होगा सोचो इंसान ने फायर का इन्वेंशन कर लिया फाइन इंसान ने फायर का इन्वेंशन कर लिया इंसान ने एग्रीकल्चर ढूंढ लिया तो अब वो सी बात है किसी जानवर को तो मार के नहीं खाएगा खाएंगे लोग खाएंगे बट कम खाएंगे बट अगर फायर का इन्वेंशन हो गया है अगर एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हो गया है तो अब क्या होगा इंसान प्रोसेस्ड फूड खाने लगेगा अब इंसान रॉ फूड नहीं खाने वाला तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब एवोल्यूशन होगा तो इंसान के जो कैनाइंस हैं वो गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है समझ में आ रही है बात ये जो इंसान के दांत है ना वो गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे तो इन्हीं को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अगर तुमसे कॉन्सेप्चुअल सवाल आएगा कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है वो कब देखना स्टार्ट हुए तो तुम कहोगे फायर की इन्वेंशन के बाद से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस स्टार्ट हुए देखो डेंटल स्ट्रक्चर में चेंज आना स्टार्ट हुआ और हम देखें अगर तुमसे हम एक सवाल पूछें अगर तुम एक सवाल का मेरा जवाब दे पाओ कि इतने सारे स्पीसीज़ हैं इतने सारे ह्यूमन स्पीसीज़ हैं इतने सारे जा जानवर हैं बंदर हैं बबूनस हैं और इतनी सारी स्पीसीज़ हैं हमारे अर्थ में सिर्फ और सिर्फ इनमें से ह्यूमन ही डोमिनेट क्यों कर पाया और कोई डोमिनेट क्यों नहीं कर पाया सिर्फ़ हम ही क्यों सबसे अच्छे स्पीसीज़ सबसे पावरफुल स्पीसीज़ बन के निकल के आए बताओ हमारे अलावा कोई और क्यों निकल के नहीं आया ये अगर तुम इसका आंसर दे पाओ तो आई वुड बी वेरी ग्लैड टू नो दैट फाइन बताना कमेंट करके उसके अलावा और देखो फायर के इन्वेंशन से और क्या हुआ फायर का जब इंसवेंशन होगा तो वहीं पे एक चीज़ होती है कि चिमपेंजी जो होता है चिमपेंजी अपना खाना पचाने में पाँच से सात घंटे लेता है वहीं पे इंसान जो है वो अपना खाना पचाने में मुश्किल से मुश्किल तीस मिनट लेगा फाइन समझ गए तो बाकी जो टाइम बचेगा उसमें वो क्या कर सकता है उसमें वो प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकता है और ये जो प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं ना इनके करने से क्या होगा इंसान हैरारकी में ऊपर बढ़ता चला जाएगा और देखो तुम हम एक चीज़ बताएगा

क्या होगा उसको खाना पचाने में टाइम लगेगा फाइन अब वो खाना पचाने में अगर तो उसको टाइम लगेगा तो उसकी इंटेस्टाइन जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी हुआ करती थी पेट के अंदर अंतड़ियाँ होती हैं ना इंटेस्टाइन होती हैं वो काफ़ी बड़ी हुआ करती हैं लेकिन जैसे ही इंसान को रॉ फूड मिलने लगता है रॉ फूड नहीं सॉरी प्रोसेस्ड फूड मिलने लगता है उसको पका पकाया खाना मिलने लगता है तो इससे क्या हो जाता है उसकी जो इवोल्यूशन के साथ साथ इंटेस्टाइन है वो छोटी होना स्टार्ट हो जाती है तो वही एनर्जी जो इंटेस्टाइन ले रही थी वही एनर्जी अब ड्रम दिमाग में जाने लगती है ऐसे कर करके क्या होता है होमोसेपियंस जो हैं वो और ज़्यादा हरार की भी ऊपर चले जाते हैं क्योंकि हमने अपना फूड जो है वो फायर से प्रोसेस्ड कर लिया इसलिए हमारे दिमाग को ज़्यादा टाइम मिला दूसरे जानवरों से इवॉल्व होने का तो ये एक रीज़न है जो हमें बताता है कि क्यों सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन्स अकेले हैं जो इस पूरी की पूरी हरारकी में इस चेन में सबसे ऊपर आ पाए और दूसरे लोग ऊपर नहीं आए फाइन तो ये एक आंसर है फाइन तो ये तुम देख सकते हो उसके बाद प्लांट डोमेस्टिकेशन हमने उगाना शुरू किया हमें तुम्हें तो बताया था हमने वीट को उगाना शुरू किया हमने बार्ले को उगाना शुरू किया अच्छा एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है उसमें मैंने पता है क्या पढ़ा था नॉट टाइम इज नॉट वेस्टिंग हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जो वीट होता है इंसान ने वीट को नहीं उगाया इंसान मतलब इंसान मतलब इंसान जो है वो डोमिनेट नहीं कर रहा है वीट पे वीट ने इंसान को चुना अपने आप को फैलाने के लिए पूरे वर्ल्ड में तो ये इंसान नहीं है ये वीट है जिसने अपने आप को पूरे वर्ल्ड में फैलाया वीट बहुत चालाक है बीट ने अपने आप को सबसे ऊपर हैरारकी में रखा आजकल देखो तुम जहाँ जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जहाँ वीट का एक नामों निशान नहीं था आज वहाँ पे बीट पूरी की पूरी पॉपुलेशन वीट खा रही है तो वो इंसान नहीं है जो डोमिनेट कर रहा है वो वीट है जो डोमिनेट कर रहा है ये बहुत अच्छी एक थ्योरी है अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में और जानना चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं फाइन दिस इज हाउ आई टीच यू इन दिस दिस डीप मैनर क्योंकि हमारा यू का बैच भी चल रहा है अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं उसमें हम ये सब चीज़ें तो मैं और डीप में पढ़ाएंगे फाइन तो इससे क्या होता है बाकी बेसिक सी चीज़ें हैं हमारे साथ यही होना स्टार्ट होता है कि फूड प्रोडक्शन हो जाता है पोट्री होता है और इंसान जो होता है वो सीडेंट्री लाइफ को जीना स्टार्ट कर देता है फ़ाइन लेकिन एक चीज़ सोचना वो चीज़ ये है कि जब एनिमल जो है जब एनिमल का डोमेस्टिकेशन होने लगता है जब हम एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हंटिंग और गैदरिंग जो है वो बंद हो गई है अभी भी बहुत से लोग होंगे जो हंटिंग गैदरिंग करते होंगे है ना बहुत से लोग होते हैं जो नए नए आइडियाज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाते उन्हें टाइम लगता है इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करने में तो ऐसा भी होता है फ़ाइन अब देखो जब तुम बुक पढ़ोगे जब तुम कोई भी कॉन्सेप्चुअल एडवांस बुक पढ़ोगे तो उसमें कुछ कुछ चीजें लिख के आएंगी और वो चीजें क्या होंगी कि बहुत सी साइट्स तुम्हें ऐसी मिलने वाली हैं, जो क्या होगा मीजोलिथिक पहले पैलीलिथिक हुआ करती होंगी फिर वो साइट मीजोलिथिक हुआ हुई होंगी फिर वो न्योलेथिक हुई होंगी फिर वो चालकोलिथिक हुई होंगी लेकिन बहुत सी साइट्स तो मैं ऐसी मिले होंगी जो कभी पेलोलेथिक नहीं होंगी वो डायरेक्ट मीजोलिथिक हुई होंगी फिर न्योलेथिक हुई होंगी फिर चालकोलिथिक हुई होंगी कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जो कभी मीजोलेथिक नहीं हुई वो डायरेक्ट न्योलिथिक हुई हैं उसके बाद चालकोलिथिक हुई हैं और कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जो नियोलिथिक और चालकोलिथिक साथ साथ में है इसका पहला जो रीज़न क्यों है ये मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें टाइमलाइन के थ्रू समझाया था है ना तो तुम उस चीज़ को देख लेना तो यही चीज़ जो है वो इन पैराग्राफ में लिखी है कि कुछ साइट्स जो हैं वो एकदम प्योर हैं कुछ साइट्स जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ के आने आने लगी अब देखो इसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं ये चीज़ हम तुम्हें पहले ही समझा चुके हैं फाइन तो ये तो हमारी पी कंप्लीट हुई हम जल्दी से दूसरी पीडीएफ पे आते हैं अब देखो ये तो हमारा बेसिक सा पूरा हो गया क्या ये हो गया हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और हमने थोड़े बेसिक सी चीज़ें देखी और यहाँ पे अब जो हम हैं वो अब हम देखने वाले हैं फैक्ट्स जो सबसे ज़्यादा न्यूलिथिक और चार्कुलिथिक टाइम से पूछे जाते हैं फाइन तब तक आप एक मिनट का बैक गैप लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए अदरवाइज हम विद इन वन सेकेंड वन मिनट स्टार्ट करते हैं ओके okay, फाइन तो आई अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा लेट मी मी जस्ट पेन कलर ओके अगर अगर आपको बुक 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 लिस्ट 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 के बारे में में जानना हो तो यू यू कैन कैन ऑलवेज कमेंट आई टेल द और मैंने स्टार्टिंग वीडियोस बताई है न्यू लिथिक, लिथिक, है? है लिथिक रिवाइज कराते चलता हूं काल काल अब देखो ताम काल को हम कल एक्सक्लूसिवली डील करेंगे बट तुम अभी बस इतना याद रखो कि ताम पाषाण काल में क्या हुआ है कॉपर की डिस्कवरी हुई है कॉपर जो है इंसान ने कॉपर ढूंढ लिया है तो इतना ध्यान रखो कि कॉपर जो है कुछ इंसान कुछ कुछ कॉपर की बनाई हुई चीज़ों को यूज़ कर रहा है अब देखो यहाँ पे कुछ हम साइट्स के बारे में जानने वाले हैं इनमें से पहले हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट रीजन की साइट फिर हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया की साइट्स फिर हम देखेंगे सेंट्रल इंडिया की साइट फिर हम देखेंगे मिड गंगा वैली की साइट फिर हम देखेंगे ईस्टर्न रीजन की साइट फिर हम देखेंगे साउथ रीजन की साइट्स तो हम पूरी इंडिया की साइट्स जो हैं वो हम बाँट के देखने वाले हैं अगर तुम्हें ये पी चाहिए हो तो तुम कमेंट कर देना आई विल गिव यू दिस पी फाइन अब देखो पहले तो देखो मैंने यहां पे ये मैप लगा दिया है अगर तुम चाहो तो इस मैप से जब भी तुम्हारा पेपर हो तुम एक मिनट में सारी की सारी साइटें रिवाइज कर सकते हो फाइन समझ गए ना देखो कश्मीर में कौन कौन सी साइट्स हमें साइट है बुर्जा होम खाल, और सराय खोला और इसके बाद अगर तुम और आओ तो देखो यहाँ बोलान पास के पास मेहरगढ़ हमें देखने को मिलता है और देखो यहाँ पे ये देखो अमरी है फाइन में तुम्हें यहाँ पे उतनूर मिलता है आंध्र प्रदेश में फिर तुम्हें चिरांद मिलता है बिहार में सोहागुरा देखो हमें मिलता है तो ऐसे ही हमें सारी की सारी ये देखो यहाँ पे नापचिक दाओह हांडलिक ये सरन आतू ये सारी की सारी साइट जो हैं इनमें से कुछ साइट्स पूछी जा चुकी हैं फाइन तो ये चीज़ें तुम तो ये मैप देख लेना बाद में बट हम इन सब साइट्स को अच्छे से पढ़ने वाले भी हैं देखो अब हम बात करने वाले हैं न्यूलेथिक साइट्स की फाइन तो इसमें से हम देखने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट साइड जो पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन की हैं इनमें से एक है मुंडी करके मुंडी गाक पे है ये अफगानिस्तान में है फाइन इस इसके बाद मेहरगढ़ बोलान पास अभी तुम्हें बताया था मेहरगढ़ के बारे में पूरी कहानी बताई थी किली गुल मोहम्मद ये साइट्स आ चुकी है किली गुल मोहम्मद राना गुंडाई ये भी आ चुकी है मुंडी ये भी आ चुकी है रेहमन ढेरी ये भी आ चुकी है और अमरी अमरी आई डोंट रिमेंबर बट हाँ ये साइट्स आ चुकी हैं ये सारी की सारी साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में है मुंडी काग जो है वो अफगानिस्तान में पड़ती है फाइन अब देखो इनके बारे में हम देखते हैं अब हमें तुम्हें जितनी भी स्टार्टिंग में चीज़ें बताई ना जिसमें हम लोगों ने न्यूलथिक रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था वो सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं तो अगर हम हर एक टॉपिक पर अब नहीं भी जाएंगे तो हमें ध्यान रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में सारी चीज़ें बता दी हैं तो अब इतना ज्यादा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है फाइन तो अब बस तुम चीजों को रटते चलो अब देखो जो नया नया होगा वो हम तुम्हें तो बताते चले जाएंगे अब देखो क्या होता है कि हम्म सबसे पहली बात तो जो है ये ये वाला जो रीजन है ये वाला रीजन ये जो है ये प्योर न्योलिथिक रीजन है फाइन ये प्योर न पाषाण रीजन अभी तुम्हें समझाया था ना कुछ जगह पे कुछ साइट कुछ जगह पे तुम्हें पूरा ट्रांजिशन मिलेगा कुछ जगह पे तुम्हें सीधे प्योर साइट्स मिल जाएंगी तो ये जो नियोलिथिक है ये पूरा का पूरा प्योर नियोलिथिक साइट हुआ करती थी ये नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन पे तुम कहोगे ऐसा क्यों क्योंकि जो कश्मीर पहले हुआ करता था तो कश्मीर बड़ा सा एक लेक हुआ करता था पहले बड़ा सा एक लेक हुआ करता था जिसकी वजह से लोग यहाँ आसपास नहीं रहा करते थे इससे दूर दूर रहा करते थे लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ जब वो लेक हटा तब लोगों ने आके यहाँ पे स्टार्ट किया है मतलब रहना इसलिए यहाँ पे हमें सीधे न्यूलेथिक जो है वो डायरेक्टली न्यूलेथिक देखने को मिलता है अब देखो एक यहाँ पे ये यह सवाल है जो ये सवाल आ चुका है सवाल क्या है कि हमें पूरे न्यू पीरियड में पूरे न्यू पीरियड में दो से तीन जगह ही ऐसी हैं जहाँ पे बोन टूल्स देखने को मिलते हैं वरना हमें कहीं पे भी बोन टूल्स देखने को नहीं मिलते अब तुम कहोगे सर बोन टूल्स क्या होते हैं बोन टूल्स होते हैं कोई भी जानवर है उसकी बोन निकाली और उसका टूल बना लिया लाइक मैंने कोई हड्डी ली उसको घिसा काटा और उससे मैंने एक टूल बना दिया फाइन तो ये जो बोन टूल्स हैं ये दो जगह पे हमें देखने को मिलते हैं एक तो हमें कश्मीर की साइड्स पे देखने को मिलते हैं एक हमें चिरांद जो कि बिहार में है वहां देखने को मिलते हैं और एक चिरा एक बिहार में एक और साइट है सेनुवार करके वहां भी हमें देखने को मिलते हैं जो हम अभी आगे जाके देखेंगे फाइन इसके बाद और अगर हम आगे देखें तो देखो ये सब चीजें हम तुम्हें तो पढ़ा चुके हैं बट हां ये हम पढ़ा दिए तुम्हें कि मिक्स्ड इकोनॉमी हुआ करती थी अली फार्मिंग होने लगी थी घर जो हुआ करते थे देखो घर मड ब्रिक्स के बना करते थे आई हैव टोल्ड यू स्टोरेज के लिए पॉटरी बना दी थी क्योंकि सरप्लस होने लगा था आई हैव टोल्ड यू फाइन और देखो हम क्या करते हैं ये देखो पूरी की पूरी हमने तुम्हें तो बात बता दी है मेहरगढ़ वाली कि वहाँ से देखो काची प्लेन से बलूचिस्तान से जो बोलन पास है वहाँ से कहा जाता है कि वहाँ पे अर्ली फार्मिंग देखने को मिली थी जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है मेहरगढ़ ये चीज़ हम तुम्हें तो बता चुके हैं है, है ना ये अभी जस्ट हमने इसके पहले डिस्कस करी थी और उसके पहले देखो हम और क्या देखते हैं फाइन अब देखो मेहरगढ़ की एक बात और है कि मेहरगढ़ की जो हिस्ट्री है वो बहुत लॉन्ग एंड कल्चरल हिस्ट्री है ये हमें नियोलिथिक के पहले से लेके मैच्योर हरप्पन फेज जो कि 2600 बीसी से स्टार्ट होता है यहाँ तक हमें जो नियोलिथिक पीरियड है उसका हमें टाइमलाइन देखने को मिलता है ठीक और देखो पॉटरी की अगर हम बात करें तो पॉटरी जो होती है वो किले से बनी हुई होती है जिसे हम ए पॉटरी भी कहते हैं मैंने यहाँ पे आपके लिए चीज़ें लिख दी हैं हो सकता है अगर आप मुझसे पीडीएफ लो तो आपको ये कठिन शब्द जो हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं इनका आपको मतलब मतलब ना ढूंढना पड़े अब जो यहाँ पर पॉटरी हुआ करती है इसे हम पॉलीक्रोम वेयर पॉटरी मतलब कहा करते हैं कहा क्या करते हैं पॉलीक्रोम पॉटरी का मतलब होता है कि जो पॉटरी होती है इसमें बहुत सारे कलर्स मिल जाएँ तुम्हें अलग अलग कलर से पॉटरी जो है वो यहाँ पर बनाई जाती है फाइन और देखो एग्रीकल्चर जो होता है एग्रीकल्चर तो मैं अभी जस्ट बताया था कि बारले और वीट जो है वो हमें जो है यहाँ से देखने को मिलता है राइस है जो हमें कोल्डी हवा से देखने के लिए मिलता रहता है और हमें क्या मिलता है बेर देखने को मिलते हैं खजूर देखने को मिलते हैं तो ये सब चीज़ें यहाँ से हमें पता चली हैं और हम लोग एक चीज़ ये कैसे हैं कि हो सकता है हो सकता है कि हरप्पन लोग जो थे उन्होंने भी बीट बारले और कॉटन जो है वो मेहरगढ़ के लोगों से ही उगाना सीखा हो फाइन ये चीज़ें हो गई अब देखो इंसान की जो डेंटल हेल्थ है हा दांत की जो अवस्था है वह डेट्राइट होने लगेगी खराब होने लगेंगे अब जो इंसान के दांत हैं वो धीर धीरे धीरे खराब होने लगते हैं क्योंकि अब पानी में फ्लोराइड मिलने लगता है मैंने तुम्हें मीजोलिथिक टाइम पर बताया था कि इंसान की जो डेंटल हेल्थ थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी और उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी ये दो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई थी लेकिन यहाँ पर क्या होता है न्यूलिथिक टाइम पर कि उनकी जो डेंटल हेल्थ है वो खराब होने लगती है फाइन ये लोग रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहा करते थे ये हमने तुम्हें तो बताया रेक्टेंगुलर रूम्स में रहा करते थे ग्राइंडिंग स्टोन्स के बारे में बताया कि ये भी हुआ करता था देखो फीमेल फिगराइंस भी हमें यहाँ से देखने को मिली है जैसे कि मदर गॉडेस जो हैं वो हमें यहाँ से देखने को मिल जाती हैं फाइन तो ये चीज़ जो है वो हमने अभी देखी इसके बाद ग्रेव गुड़ क्या हुआ करता है ग्रेव गुड़ मतलब हमने तुम्हें कल ही अगर क्लास में बताया था ग्रेव गुड़ क्या होता है कोई इंसान मान लो यहाँ पे मर गया तो मरने के बाद क्या होता है जब उसको दफनाया जाता था तो उसकी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो साथ में यहाँ पर रख दी जाती थी कि हो सकता है ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ पर बिलीव किया जा करते थे लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है कि मान लो कोई इंसान जो है वो जब मर जाता है तो हो सकता है कभी आगे जाके वो उठे और जब वो उठेगा तो हो सकता है उसको अपनी फेवरेट चीजें चाहिए हों और फेवरेट चीजें जब चाहिए होंगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो कब्र खोद के बाहर आएगा तो उसकी जो फेवरेट चीजें हैं वो यहीं पर रख दी जाती थी इन्हीं को कहा जाता था ग्रेव गुड्स फाइन और देखो है हम लोगों ने क्या कहा था वहां पे ना बाहर से भी जो हैं चीज़ें आती थी हम लोग ट्रेड भी शायद कर रहे थे क्योंकि हमें अफगानिस्तान और ईरान के पत्थर जो हैं वो भी इंडिया में देखने को मिले हैं जैसे हम टर्कोवाइज और लेपस लजुली भी कहा करते हैं फाइन तो ये सब चीज़ें जो हैं ये देखने को मिली हैं देखो बुक में लिखा है कि लेपस लजुली जो है वो बलूचिस्तान अफगानिस्तान में मिलता था ये इंडिया में नहीं मिला करता था टर्कोवाइज तो जो है वो ईस्टर्न ईरान और सेंट्रल एशिया में मिला करता था ये इंडिया में पाया गया है इसका मतलब है कि हमारा उन उन उधर के लोगों से भी कोई ना कोई ट्रेड रहा होगा हमने कोई ना कोई लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज जो है वो किया होगा फाइन ये चीज तुम समझ गए होगे बरियल्स के बारे में बात करें तो हमें डबल बरियल्स भी देखने को मिले डबल बरियल क्या होता है कि दो इंसानों को एक साथ गाड़ दो डबल बरियल्स भी हमें यहाँ पे महरगढ़ में देखने को मिले हुए हैं फाइन अब देखो यहां पे जो पॉटरी होती है उस पॉटरी को हम कहते हैं कॉड इंप्रेस्ड पोट्री ये अगर तुमसे कोई पूछे तो याद रखना सबसे पहले जो आती है न्यूलिथिक टाइम पे सबसे पहली जो पोट्री है उसे कहा गया है कॉड इंप्रेस्ड पोट्री कॉड इंप्रेस्ड कॉड मतलब क्या होता है कॉड मतलब होता है धागा इंप्रेस्ड मतलब होता है दबाना तो धागे से दबा के कुछ पोट्री में हल्की बहुत डिजाइन बना देते थे इसे हम कहते थे कॉड इंप्रेस्ड पॉट्री उसके बाद जो पॉट्री आती है फिर वो हरप्पन टाइम पे आती है उसे हम कहते हैं रेड एंड ब्लैक वेयर पोट्री रेड एंड ब्लैक वेयर कह दो या ब्लैक वेयर कह दो फाइन इसके बाद जो तीसरी पॉटरी आती है वो ग्रे पॉलिस्ट मतलब ग्रे पोट्री आती है फाइन ये जो ग्रे पॉट्री आती है यह लेटर वैदिक टाइम पे आती है जो रेड एंड ब्लैक वेयर पॉट्री है ये हड़प्पन टाइम पे और अर्ली वैदिक एज में होती है इसके बाद जो सबसे आखिरी में पोट्री आती है वो होती है नॉर्थ ब्लैक पॉलिस्ट वेयर ये जो होती है ये महाजनपद के टाइम पे पोट्री आना स्टार्ट हो जाती है देखो हमने तुम्हें पूरी की पूरी पोट्री की इक्लॉजी बता दी क्योंकि पोट्री पर भी सवाल जो हैं वो डायरेक्ट ऐसे पूछे जा चुके हैं फाइन इसके बाद और अगर हम तुमसे बात करें तो बोलान पास जो होता है बोलान ईशान ही पास के पास जहां पे मेहरगढ़ था वहां दो साइट्स और मिलती हैं जो पूछी जा चुकी हैं उनमें से एक है किली मोहम्मद और एक है दम सादात तो इन चीजों का भी तुम ध्यान रखना फाइन इसके बाद फिर एक साइट है अफगानिस्तान में मुंडीगाग जो हमने तुम्हें तो मैप में भी दिखाई थी यहां पे हमें कुएं देखने को भी मिले हैं और जो पॉटरी है वो व्हील मेड पॉटरी है पहिए से बनाई हुई पॉटरी है पहले जो पॉटरी हुआ करती थी वो हैंड मेड पॉटरी हुआ करती थी अब जो है वो व्हील मेड पॉटरी होने लगी है फाइन तो इस चीजों का भी तुम ध्यान रखना और देखो पाकिस्तान की कुछ और साइट है जिनका नाम है सुरजंगल दावरकोट और रंगगुंडाई रंगगुंडाई जो है वो पूछी जा चुकी है फाइन तो इन चीजों का भी तुम ध्यान रखना और कौन कौन सी साइट्स हैं और साइट्स हैं वहीं पे इंडस के पास गुमला और रहमन डेरी रहमन डेरी पूछी जा चुकी है तो इन चीजों का तुम ध्यान रख लेना फाइन सराय खोला भी हो चुकी है अब देखो सेंट्रल इंडिया पे अगर तुम आओ तो उत्तर प्रदेश के पास हमें क्या देखने को मिलती है हमें कुछ रिवर्स के पास ये जो देखो रिवर्स के मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं और इन रिवर्स के पास हमें कुछ साइड्स देखने को मिलती है देखो टाइम पीरियड क्या है 6000 हजार बीसी से लेके तीन हज़ार के आसपास तक का टाइम है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है कोल्डी हवा कोल्डी हवा से हमें सबसे पहले राइस देखने को मिला है इंडिया में तो राइस की खेती जो है वो कोल्डी हवा में हुई है जो अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है बेलान रिवर के पास ये बेलान लिखा हुआ है बोलान नहीं लिखा हुआ है बोलान जो है वो अफगानिस्तान में है ठीक है बेलान इंडिया में है फाइन उत्तर प्रदेश के पास है तो यहाँ से हमें राइस देखने को मिलता है और ये जो कोल्डी हवा है देखो यहाँ पे क्या लिखा है तो मैं स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट समझाए थे कि यहाँ पे हमें तीनों सेक्स देखने को मिलते हैं न्यूलैथिक भी मिलता है चालकोलिथिक भी मिलता है और आयरन एज तक मिल जाती है आयरन एज का मतलब क्या है वैदिक काल तो कितने आगे बताओ वैदिक काल का मतलब है कि एक हजार के से लेके छ सौ के, के आसपास तक का भी हमें ये साइड जो है यहाँ तक के रेफरेंसेस भी हमें दे देती है देखो यहाँ पे वाइल्ड राइस और कल्टिवेटेड राइस दोनों का हमें यहाँ पे देखने को मिलता

धागे बांध दिए जाते हैं और यहाँ पे कुछ ना फिर इसके ऊपर से पुताई कर दी जाती है ऐसे धागे बांध दो उसके बाद तुम इसकी पुताई कर दो तो इसे ही हम कहते हैं बैटल एंड डोआब हाउसेस फाइन तो ये ऐसे कुछ कर करके घर हमें देखने को मिलने लगे इसके बाद महागरा है ये भी वहीं की ही साइट है उत्तर प्रदेश की तो आप इस चीज़ को देख लेना फाइन इसके बाद चौपानी मांडो चौपानी मांडो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है उत्तर प्रदेश की है ये भी पूछी जा चुकी है फाइन इसके बाद कुंजिन कुंजिन मध्य प्रदेश में है यहाँ पे भी मेरा ही डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है अब देखो एक चीज और ये पॉइंट तुम देखो कितना इंपॉर्टेंट है चौपानी मांडो जो है यहाँ हमें वर्ल्ड का सोचो वर्ल्ड की सबसे पहली पोट्री देखने को मिलती है देखो चौपानी मांडो प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ पोट्री इन द वर्ल्ड फाइन समझ गए अब तुम्हें नॉर्थ इंडिया की हम बताते हैं एकदम बिल्कुल नॉर्थ इंडिया की ऊपर कश्मीर रीजन की तो एक है बुर्जा होम फिर है गुरफ खाल और भी साइट्स हैं जिनमें से हपीना गांव है जया देव दर है ओलची बाग है ओलची बाग आ चुकी है बुर्जाहूम आ चुकी है गोरफ आ चुकी है तीनों साइट्स आ चुकी हैं और भी देखो मैंने यहाँ पे लंबी सी लिस्ट लिख ली है आप चाहो तो इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हो फाइन तो इन चीजों के बारे में हमने तुम्हें तो बताया था और ये मैं तुम्हें तो बताया था ये प्योर न्योलेथिक हुआ करती हैं यहाँ पे और साइट्स हमें देखने को नहीं मिली हुई है फाइन और कहानी बताई थी क्यों नहीं मिली है क्योंकि यहाँ पे पहले जो कश्मीर है वो एक बड़ा सा लेक हुआ करती थी फाइन ये चीज

तो ऐसे ऐसे हमें पिट ड्इेलिंग्स जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं ये जो फ़ीचर है ये पूछा जा चुका है तो आप इस चीज़ का याद रखना बोन टूल्स भी हमें देखने को मिले हैं और देखो डॉग बरियल भी हमें देखने को मिला है जो भी मालिक हुआ करता था जब ग्रेप गुड़ की बात करिए ना जब कोई ख़त्म हो जाता था तो ख़त्म होने के साथ साथ तो उसका डॉग जो है वो भी उसके साथ गाड़ दिया जाता था तो डॉग जो है और एक चीज हम तुम्हें तो क्या बताई थी सबसे पहला जो जानवर है जिसका हमने हैबिटेशन किया है वो डॉग ही हुआ करता है तो सिर्फ और सिर्फ डॉग ही हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और भी बहुत सारे जानवर हैं जो गाड़ दिए जाते थे जब एक इंसान की मृत्यु हो जाया करती थी बुर्जा होम बुर्जा होम भी है वो भी श्रीनगर में पड़ा करती है ये भी एकदम बिल्कुल सेम फीचर शेयर करेगी इसके तरीके से अभी ऊपर कौन सी हमने पढ़ाई है ये बुर्जा होम गुरफ काल इन सबके जो फीचर्स हैं वो एकदम सेम है फाइन तो इसमें भी कुछ ऐसा नया नहीं है देखो वही बात है देखो यहाँ पे लेडर्स मिली हुई हैं स्टेप्स मिली हुई हैं नीचे जाने के लिए ये सब चीजें हम तुम्हें अभी जस्ट बता चुके हैं इसके बाद और हम देखें साथ में हमें क्या मिला हुआ है नहीं हाँ। नहीं वो नहीं। ओके यहाँ पे हमें कुछ पेंटिंग्स भी मिली हुई हैं हमें कुछ स्केची इवेंट्स मिले हैं जिसमें ये हंटिंग सीन्स को दर्शा रहे हैं तो ये सब चीजें हमें यहां से मिल चुकी हैं फिर देखो गुर्फ खाल गुरफ खाल भी सेम कश्मीर की ही साइट है इसमें भी हमें यही सब बेसिक चीज़ें देखने को मिली हैं जो हमें ऊपर मिली है क्योंकि हम तुम्हें तो पूरी की पूरी जो साइट्स हैं वो बता चुके हैं अब देखो एक स्वाइट वैली है स्वाइट वैली तुम कहाँ कहोगे कहाँ है ये पाकिस्तान में है यहाँ पे भी हमें सेम वैसे ही इविडेंस देखने को मिले हैं जैसे हमें गुरफ खाल ओल्ची बाग और बुर्जा होम में देखने को मिले हैं वैसे ही जो कुछ कुछ एविडेंस हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिले हुए हैं लास्ट अब देखो लास्ट एक ये साइट है ये पूछी जा चुकी है जिसका नाम है गियाक जो है ये हमें लद्दाख में देखने को मिलती है तो ये साइट भी हमने कंप्लीट कर ली फाइन तो ये हमारे पूरी की पूरी नॉर्थ इंडिया की और बेसिक साइट्स कंप्लीट हो गई और अब हमारी जो लास्ट साइट्स की जो स्लाइड बची है इसमें से हम तुम्हें ये वाली साइड स्लाइड दे देंगे और हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं तो तुम चाहो तो तुम इसको बाद में देख सकते हो साथ में फाइन एक मिनट का हम ब्रेक लेते हैं एक सेकंड का अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो ओके okay. अब हमारी बेसिक सी लास्ट की कुछ साइट्स बची हैं जो हम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार की देखने वाले हैं जिनमें से कुछ साइट्स हैं जिनका नाम है नरहान इमलेद सोहागुरा चिरान जो बिहार में है ताला रेड चिराद सेनुवार ये भी बिहार में है तो ये कुछ साइट्स हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पे देखना है फाइन अब यहाँ पे मैं तुम्हें क्या बताया था धीरे धीरे जब नॉलेज यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होती है तो नॉलेज आने में टाइम लगता है और यहाँ पे जो नॉलेज आई है वो 2000 थाउजेंड के आसपास आ पाई है एग्रीकल्चर और दूसरी चीज़ों की फाइन इसमें से जो चिराद है वो हमारी बिहार की साइट है फाइन इसके बाद लोहरा देवा ये साइट पूछी जा चुकी है लोहरा देवा जो है संत कबीर नगर में है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है फाइन ये चीज़ तुम देख गए सोहरा गुरा कहाँ पर है ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है फाइन इसके बाद नॉर्थ बिहार में एक साइट है चिरांद सेनुवार करके तो इन दोनों साइट्स पे हमें बोन टूल्स देखने को मिले हैं तो मैं बताया था ना बोन टूल्स अभी तक सिर्फ दो जगह पे देखने को मिले हैं एक तो कश्मीर में और एक बिहार में तो बिहार की इन दो साइट्स में और कश्मीर के ऊपर जो बुर्जा होम उल्ची बाग वो सब चीज़ें हैं वहां पे देखो देखने को मिले देखो लिखा है ना बोन टूल्स देखने को मिले हुए हैं फाइन और यहाँ पे जो टूल्स हैं वो माइक्रोलिथ हुआ करते थे अब तो हमें माइक्रोलेथ क्या होते हैं मैं कल ही समझाया था तो माइक्रो मतलब छोटा लिथ मतलब पत्थर तो छोटे पत्थर हमें यहाँ पे देखने को मिले हुए हैं साथ साथ में हमें यहाँ पे नियोलिथिक एक्सेस भी देखने मिली है एक्सेस मतलब समझते हो ना कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी जिसके पीछे डंडा लगा हो फाइन तो ये नियोलिथिक एक्सेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो तुम्हें याद रखनी होगी चिराद में हमें कोई कॉपर ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिला फाइन कॉपर ऑब्जेक्ट कोई भी हमें कॉपर कौप कॉपर ऑब्जेक्ट हमें चिराद में देखने को नहीं मिला पॉट्री की अगर तुमसे कोई बात करे तो पॉट्री वही कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉट्री है ना कहीं पर भी अब तुम्हें दिखाई दे तो कॉर्ड इंप्रेस्ड पॉट्री तुम लगा देना फाइन इसके बाद हैबिटेशन की हम बात कर चुके हैं वेटेल डोआब हर जगह सेम ही चीजें मिलने वाली हैं इसलिए अब तुम्हें बस साइट्स याद रखनी पड़ती हैं बेसिक फीचर जो है वो हमने तुम्हें सारे ही बता दिए सेनुवार कहां पे है बिहार में है यहाँ पे भी हमें क्या है देखो बोन टूल्स देखने को मिले हुए हैं फाइन वही घर किसके हैं बैटल एंड के हैं बैटल है? बता दिया है फाइन पोट्री जो होती है वो व्हील मेड होती है कैसे होती है व्हील मेड हैंडमेड हम तुम्हें ये सारी चीजें समझा चुके हैं अब देखो जो सेनुवार है यहाँ पे हमें कॉपर ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं और कहा जाता है कॉपर ऑब्जेक्ट जो है उसमें से हमने राखी रेखा माइंस जो हैं राखा माइंस हाँ राखा माइंस जो है जो झारखंड में है यहाँ से हमने ये कॉपर लिया होगा फाइन इसके बाद तारा ताराडे तारा ये कहाँ पे है ये बोधगया में फाइन इसके बाद ईस्टर्न इंडिया अगर हम तुम ईस्टर्न इंडिया की बात करो तो देखो कुचाई और गोबल सराई शासन गोलबाई शासन ये उड़ीसा में है और पांडूराजर धीबी और भरतपुर भरतपुर पूछी जा चुकी है और मसीदल ये वेस्ट बंगाल में भरतपुर जो है ये आ चुकी है ये वेस्ट बंगाल में है बुरीद कहाँ पे है ये है झारखंड में ठीक तो इन सब बारों में डिटेल्स में दिया हुआ है बट तुम्हें डिटेल्स में वही सारे के सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो हम सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में जो निर्थित पीरियड है वो दो हजार के आसपास पहुंचता है फाइन जिसमें से जाली हार्डिंग ये आ चुकी है दाओजाली हार्डिंग ये असम में है तो दाउजाली हार्डिंग असम में है नापचिक मणिपुर में है और पाइंथलोरान जटन ये मेघालय में है तो ये चीजें तुम याद रखना फाइन इसके बाद इन्हीं की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं बट इतना कुछ है नहीं क्योंकि तुम्हें बेसिक चीजें बता दी है फाइन अब देखो उसके साथ साथ क्या होता है एश माउंट्स क्या होते हैं ये तुम सर्च कर लेना माउंट्स कुछ नहीं होता है हमें कुछ एक फीचर मिलता है जिसमें लोग क्या करते हैं गोबर जो होता है गाय का गोबर होता है उसको जला देते हैं उसको जला के उसको ऐसे इकट्ठा करके ऐसे रख देते हैं और वहीं के आसपास रहते हैं तो ये कुछ कुछ चीजें हैं ऐश माउंट्स हमें साउथ इंडिया से देखने को मिलते हैं बट हाँ अगर एक कॉन्सेप्ट है अगर आ जाए तो टिक लगा देना बट देखो ये कर्नाटका की सारी साइड दी हुई हैं संगल कल्लू हल्लूर और हल्लूर आ चुका है टेका कालाकोटा ब्रह्मगिरी मस्की आ चुका है टी नारसरपुर पिक पिकलई भी आ चुका है कोडेकाल बुधिहाल और कुपरूल ठीक इसके बाद आंध्र प्रदेश की साइड पे बात करो तो उतनूर ये आ चुका है ना नागार्जुन कोंडा ये भी आ चुका है इसके बाद तमिलनाडु की जो साइट है ये है पयम पल्ली ये भी आ चुका है फाइन इसके बाद ये तो बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें सारे के सारे ही अभी हम बता चुके हैं इसके बाद देखो जो लास्ट टॉपिक आज का बचता है वो बचता है उनकी लाइफ कैसे हुआ करती थी तो अगर तुमने मेरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखा हो तो कॉन्सेप्चुअल वीडियो में मैंने तुम्हें समझाया था कि जो लाइफ हुआ करती थी न्यूलैथिक पीरियड की अब वो सेल्फ सफिसियंट विलेज कम्युनिटी हो गई हैं सेल्फ सफिसियंट कैसे हो गई हैं क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर का निर्माण कर लिया है एग्रीकल्चर होगा तो इंसान अपना खुद का फूड ढूंढेगा तो वो सेल्फ सेल्फ सफिसियट तो हो ही जाएगा फाइन इसके बाद हमें क्या पता चला है हमें बूढ़ी हाल जो कर्नाटक में है वहां से हमें एक इमेज मिली है जहां पे जो कम्युनिटी है जो लोग हैं वो साथ में बैठ के फूड बना रहे हैं साथ में बैठ के खा रहे हैं फाइन तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि कम्युनिटी लाइफ स्टार्ट हो चुकी है कम्युनिटी लाइफ तो स्टार्ट हो ही जाएगी क्योंकि तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअल वीडियो में क्या बताया था कि पहले लोग जो थे वो अलग अलग रहा करते थे स्मॉल ग्रुप में जिसे हम बैंड सोसाइटी कहा करते थे लेकिन धीरे धीरे होलो सीन आता है पॉपुलेशन बढ़ती है और लोग साथ में आके रहना स्टार्ट कर देते हैं और कम्युनिटी लाइफ

एक्स एक्सपेक्टेंशी है वो डिट्रॉइट हो गई थी थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा डिट्रॉइट हो गई थी फाइन तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना क्योंकि उस टाइम पे मैंने तुम्हें कल ही क्लास में बताया था कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंशी हुआ करती थी इस टाइम की वो बहुत लो हुआ करती थी फाइन इस चीज़ का तुम ध्यान रखना और देखो लेकिन अब एक चीज़ देखो एक फायदा बस पाँच सात मिनट की क्लास और बची हुई है इसके बाद यू मे लीव कि क्या हुआ करता था कि जो वुमेन हुआ करती थी देखो एग्रीकल्चर जो हुआ करता था एग्रीकल्चर के आने से क्या हुआ है जो स्टेबिलिटी है वो आई है ये बात तो तुम तो मानते हो एग्रीकल्चर के आने से स्टेबिलिटी आई है और स्टेबिलिटी के आने से क्या होता है जो इससे आसानी पड़ती है वुमेन को, को इससे आसानी पड़ती है चिल्ड्रन को इससे आसानी पड़ती है ओल्ड एज को ओल्ड एज लोगों को आसानी पड़ती है तो ये चीज़ जो है ये हमें जाननी होगी कुछ कुछ जगह पे ये भी कहा गया है कुछ बुक्स में ऐसा भी कहा गया है कि जो वुमेन हैं उन्होंने ही एग्रीकल्चर स्टार्ट किया होगा या फिर उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं किया होगा तो उन्होंने एग्रीकल्चर की देखभाल की होगी क्योंकि मैन जो होगा वो तो हंटिंग गैदरिंग पे चला जाता होगा जो वुमेन होगी वो घर पे रहती होगी उसने ही हो सकता है जब नेचर को पूरा एनालाइज किया हो घर पर रखे हो फिर उसने ही का सोचा हो कि हाँ यार ऐसे ऐसे करके हम एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग कर सकते हैं ऐसे हम बीज डाल सकते हैं वही सारे के सारे जानवरों के जो पैटर्न्स हैं वो देख रही हो फाइन तो ये सब चीजें हो सकता है ये वोमेन ने ही करी हो यही चीजें यहाँ पर बुक में लिखी हुई हैं फाइन टूल्स जो है नए टूल्स आ गए जिसे हम न्यूलिथिक कहते हैं तो मैं हमने सारी चीज बताई थी देखो वही रोल ऑफ वुमेन यही बात है जो यहाँ पे लिखी है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स इन एग्रीकल्चर वर मेड बाय वूमेन ऐसा हो सकता है बट हमें ऐसे कोई पक्का तो है नहीं हम सब कियास लगाते हैं और देखो क्राप्स एंड ट्रेड तो हमें क्राप्स एंड ट्रेड की भी हमने बात कर ली थी तो मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की बात बताई थी लजुली की बात बताई थी तो बिल्कुल हो सकता है और हमें कहाँ कहाँ से क्राफ्ट देखने को मिलते हैं कुंजुम से देखने के मिलते हैं गणेश्वर से देखने के मिलते हैं जो कि राजस्थान में है लेकिन साथ साथ में क्या होता है न्यूलिथिक टाइम में सोशल डिफ्रेंशिएशन भी आना स्टार्ट हो जाता है अब सोशल डिफ्रेंशिएसन आना क्यों स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अब जैसे जैसे तुम देखोगे कि इंसान के पास एग्रीकल्चर होगा तो हो सकता है कुछ के पास कम रिसोर्सेज हों कुछ के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हों तुम जैसे ही एग्रीकल्चर आता है किस किसी किसी के बड़े घर होते हैं किसी किसी के छोटे घर होते हैं फाइन कोई जो होता है वो अपनी पॉटरी में पेंटिंग्स बना रहा है किसी के पास नॉर्मल पॉटरी मिल रही है तो ये सब क्या दिखा रहा है ये सब दिखा रहा है कि सोसाइटी में अब सोशल डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो गए हैं कहाँ से देखो साइज़ ऑफ द हाउसेस बदलने लगे हैं वही जो चीज़ें मैं तुम्हें बताई धीरे धीरे स्टार्ट हो सकते हैं हो सकता है कि यहीं से मैन और वुमेन के बीच में भी डिफ्रेंशिएशन आना स्टार्ट हो गया हो कि मैन जो है वो हंटिंग करने जाएगा वुमेन जो है वो एग्रीकल्चर देखेगी वो घर को देखेगी तो इससे हो सकता है कि प्रतात्मक समाज की भी जो जड़ें हैं वो यहीं से ही जुड़ी हों फाइन तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं और इतना बड़ा आप सोचो इतना बड़ा गाँव है इतना बड़ा एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से इकोनॉमी होगी अब इतनी सारी इकोनॉमी का तुम करोगे क्या तुम इसको और बढ़ाओगे तुम ट्रेड करोगे अपने पास तो रखोगे नहीं अब तुम्हारे पास अगर इकोनॉमी है तो तुम दूसरों को भी दोगे तो हो सकता है तुम ये तो कहोगे कि नहीं हम तुम्हें तो फ्री में क्यों दे दें तो हो सकता है फिर बार्टर सिस्टम का भी यहीं से स्टार्टिंग शुरू हुई हो फिर जब तुम ट्रेड करोगे तो पहले तुम नेशनल ट्रेड करोगे फिर हो सकता है तुम इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो धीरे धीरे सब चीज़ें उभर सकती हूँ और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कोई ना कोई पॉलिटिकल कंट्रोल भी हुआ करता हो जिसके बारे में हमें पता नहीं है फाइन इसका पूजा किसकी हुआ करती थी मदर गॉडेस की पूजा हुआ करती थी मैंने तुम्हें तो बताया था मैं टेराकोटा फीमेल फीमेल फिगराइंस मिली हुई टेराकोटा क्या होता है एक प्रकार की मिट्टी होती है तो टेराकोटा मदर्स फिगर टेराकोटा फिगर्स मिले हैं मदर गॉडेस के और मदर गॉडेस को वुमेन्स से इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि वुमेन जो होती है वो भी बर्थ देती है तो हो सकता है इसीलिए एग्रीकल्चर होता है एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं खेती जो होती है वो भी कहीं ना कहीं क्रॉप्स को बर्थ देती है तो इसीलिए जो एग्रीकल्चर है और जो वुमेन है और जो मदर गॉडेस है इन सबको हमने वुमेन से ही एसोसिएट किया क्योंकि ये कहीं कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके हमें देती हैं फाइन तो ये चीज़ तुम समझ गए और जो बुल होता है बुल फिग्राइन भी हमें देखने को मिला है क्यों क्योंकि बुल जो होता है वो भी फर्टिलिटी को दर्शाता है तो इसलिए हमें बुल की भी फीमेल बुल के वे फिगर्स जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं बरियल्स हमने तुम्हें तो बताए थे मल्टीपल बरियल्स हमें देखने को मिले हुए हैं जॉइंट बरियल्स देखने को मिले हैं ग्रेप वुड्स के बारे में हम तुम्हें तो बता चुके हैं जो कि बिलीव आफ्टर लाइफ हुआ करता था दिस इज़ फॉर द डे और कल जो हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में हम चालकोलिथिक पीरियड को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम हरप्पन सोसाइटी को स्टार्ट करेंगे अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज़ आस्क मी और इफ़ यू वांट तुम पीडीएफ अगर तुम्हें चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट मी आई विल गिव यू द पीडीएफ और हमारे यू के बैचेस भी चल रहे हैं इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन इट वी कैन ऑल्सो जॉइन इट विद मी सो वी कैन स्टडी फॉर द अपकमिंग जून अटैम्प्ट सो दिस इज़ फॉर द डे आई होप यू लर्न ट अलॉट मिलते हैं फिर से नई क्लास में